जब भी आपको कभी गन्ने का जूस पीना हो तो अपनी गाड़ी में बैठकर उसको ऑर्डर ना दें गन्ने जूस वाले को, बल्कि गाड़ी से उतरकर उसके पास जाएं, उसके बर्तनों को देखें और उसको उन बर्तनों को साफ़ करने के लिए बोलें, और तब जाके गन्ने का जूस आप पी सकते हैं। वरना ये आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी इसकी जो ये मशीन है और जो इसके बर्तन हैं इसके ऊपर जमी रहती है, और अगर आप गाड़ी में बैठे रहेंगे अंदर तो हो सकता है कि इसमें पहले से ही बहुत सारा गंदा जूस रहे या इसमें पानी मिला रहे या बहुत सारी धूल मिट्टी जमी रहे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमेशा आप जब भी कभी जूस पीने का मन करें सड़क के किनारे, तो हमेशा से उतर कर उसको साफ़ करने के लिए बोलें, दोबारा से क्लीन करने के लिए बोलें उसके जो भी बर्तन मिला रहे, तब जाकर। तो ये मैंने आज ये चेन्नई से त्रिची वाला एक्सप्रेसवे है, ये बेंगलोर को भी जोड़ता है आगे जाकर, और ये आप देख रहे हैं ये चेंगलपट्टू है। यहाँ पर मैं कुछ काम आया था तो सोचा कि यहाँ पर जूस पिया जाए, सड़क के किनारे ये खड़ा हुआ था। तो कोरोना के काल से इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, तो इन लोगों की भी इस तरह से थोड़ी हेल्प हो जाती है। हम डायरेक्ट कुछ दुकानों में जूस ना पीकर इनसे भी जूस ले सकते हैं। तो मैंने अभी इसको धोने के लिए बोला है बर्तन सारे, तो इसने धोया है, तो आप देख सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा आपके जूस के लिए। वरना मैंने बहुत बार देखा है कि लोग पुराना जूस दे देते हैं, उसी के अंदर कुछ भी गंदी संदी चीज़ें रहती हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता। तो हमेशा इनको धोने के लिए बोले रहे, एक फ्रेश जूस पिए आप जब भी जाएँ बाहर, और गाड़ी में बैठकर ऑर्डर ना दें, ये मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। वरना तो ये वही मिक्स करके दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि हमने गाड़ी में बैठकर ऑर्डर कर दिया, एसी में बैठकर जूस पी रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या करते हैं सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाय।